ये अब है जिहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, इस जिहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूं, पीछे हट गए मुल्क का मुस्तकबिल क्या? वो जो बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, जो हमारे लीडर कायद आजम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, कानून की हुक्मरानी पे चलने वाले थे, आजादी की जब वो बात करते थे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे आजादी को। हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी, जिसके मुखालिफ भी उसकी उनकी इज्जत करते थे। कई सदियों में ऐसा जहन मुसलमान दुनिया में नहीं आया जो अल्लामा इकबाल का, जो उन्होंने तसव्वुर दिया था कि हमने मदीना की रियासत के असूलों पर एक अजीम कौम खड़ी कर ली और फिर बताया कि क्यों एक जमाने में हमने दुनिया की इमामत की और शिकवा जवाब शिकवा में बताया कि क्यों हमारा अब जवाल है। आज हम उधर ही खड़े हैं, हमें वही अल्लामा इकबाल की जो उनकी शायरी थी, एक एक शेर के अंदर उन्होंने पूरा फलसफा दिया हुआ है कि आजाद कौमी की सिर्फ परवाज है, सिर्फ आजाद लोग ही इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं है।